हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं पवन तिवारी चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो टीजीटी मैथ्स लाइव क्लास के अंतर्गत आज लेक्चर तीसरा, जिसमें टॉपिक आप देख ही रहे हैं जो मैंने लिया था त्रिकोणमिति और संख्या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के अंतर्गत, केस फर्स्ट के प्रश्नों की अभी मैं चर्चा कर रहा हूँ, जिसमें आप बेसिक प्रश्नों को यहाँ पर समझ रहे हैं। और मैं आपको इसमें बता दूँ कि अभी तक मैक्सिमम प्रश्न आपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक सरसंख्या जो पहला मैंने लिया था उसी पर ज़्यादातर प्रश्नों को मैंने हल कराया। इसी क्रम में यदि मैं आगे बढ़ूं तो आप देखेंगे कि जैसे एक ध्यान देना, यदि मैं आपसे कह दूं कि यदि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1 है, या बराबर चलिए मैं एक पार्ट का ओपन कर ले रहा हूँ एक्स है, तो मैं आपसे पूछूं कि sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आप समझ गए होंगे क्या होगा। थोड़ा ध्यान देना, आप जानते हैं एक त्रिकोणमिति सरसमिका जिसमें 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये बराबर कितना होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, sec स्क्वायर थीटा। तो अच्छा, अभी ध्यान देना, यदि tan स्क्वायर थीटा को उधर पक्षांतर कर दें तो क्या हो जाएगा, वहां sec स्क्वायर थीटा पहले से है, प्लस tan स्क्वायर थीटा उधर पक्षांतर होगा तो माइनस tan स्क्वायर थीटा और बराबर कितना, 1। तो अच्छा, अभी ध्यान देना, जैसे sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर x है, तो पॉइंट को यहां पे समझिएगा, चूंकि हम जानते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ये बराबर कितना होता है, 1। ये कैसे, ये एक आइडेंटिटी है, त्रिकोणमिति सरसमिका है, तो ये आप सरसमिका आप सभी जानते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। अच्छा, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, एक ब्रैकेट में a प्लस b मतलब sec थीटा प्लस tan थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में मैं लिख सकता हूं sec थीटा माइनस tan थीटा, ये बराबर कितना, 1। ध्यान देना, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। ये आइडेंटिटी है, सरसमिका है, ये आप सभी जानते हैं। तो ध्यान देना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र से ओपन करें तो sec थीटा प्लस tan थीटा, दूसरे ब्रैकेट में sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर कितना, 1। अच्छा, देखा जाए sec थीटा प्लस tan थीटा ये वैल्यू किसके बराबर है, x के, तो जहां पर ये sec थीटा प्लस tan थीटा लिखा है उसके स्थान पे मैं कितना लिख सकता हूं, x इंटू कितना, sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर कितना, 1। तो x गुणा हो रहा है दूसरी तरफ भाग हो जाएगा, इसलिए sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 बाई x। तो एक चीज बिल्कुल माइंड में रखिएगा, यहां से समझना, आपको मैं बता दूं ये एक सूत्र के रूप में आप ध्यान देना, यदि sec थीटा प्लस tan थीटा ये बराबर x है तो निश्चित तौर पर sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, x का उल्टा हो जाएगा, 1 बाई x। ध्यान देना, यदि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर x है तो sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर कितना है, 1 बाई x। इसका विपरीत भी सत्य है ना, इसका अपोजिट भी सत्य है, कहने का मतलब यदि मैं sec थीटा माइनस कर दें और tan थीटा बराबर कितना लिख दें, x, और तो आपसे पूछा जाए कि sec थीटा और माइनस जहां था वहां प्लस यदि पूछ ले tan थीटा, तो यहां भी ये बात सत्य होगी। तो ये दोनों पॉइंट एक ही है, यदि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर x है तो sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1 बाई x होगा, या sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर x है तो sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर कितना होगा, 1 बाई x। ये जब सरसमिका से ओपन करते हैं, अब इस पर आधारित मैं एक प्रश्न आपको दे रहा हूं, ध्यान देना, जैसे मैंने एक प्रश्न यहां से लिया है कि यदि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 3 है, यदि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 3 है तो मैं आपसे ये पूछूं sec थीटा का मान क्या होगा, sec थीटा यहां पे क्वेश्चन मार्क है। चलिए कैसे हल करेंगे, एक समीकरण पता है sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर कितना है, ध्यान देना,
सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये बराबर कितना दिया है? तीन। ये एक समीकरण दिया है। अच्छा, जब सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर तीन है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा अभी अभी आपने ओपन करके समझाया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? अतः निश्चित रूप से सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? वन बाई एक्स, मतलब वन बाई कितना हो जाएगा? थ्री। ये समीकरण दो हो गया। ये कैसे हुआ है? अभी अभी मैंने ओपन किया है, आप समझ गए होंगे। इन दोनों समीकरणों को हल करें, और दोनों समीकरणों को मैं तो कह रहा हूँ जोड़ लीजिए। जैसे जोड़ेंगे तो समीकरण एक में प्लस टेन थीटा है, समीकरण दो में माइनस टेन थीटा है, तो ये विपरीत कट जाएगा। एक सेक थीटा यहाँ पर और एक सेक थीटा यहाँ पर, कितने सेक थीटा हो गए जोड़ने पर? टू सेक थीटा। अब बराबर ये जब जोड़ेंगे, तीन में कितना जोड़ेंगे? एक बटे तीन, तो कितना हो गया? तीन तिया नौ प्लस एक दस, दस बटे। अच्छा, दो इधर गुणा हो रहा है, उधर जाएगा भाग हो जाएगा, या ऐसा कर लीजिए ना, दो से ये सीधा पाँच बार में कट गया, इसलिए सेक थीटा बराबर कितना आ गया? पाँच बटे तीन। यही उत्तर हो गया, चूंकि हमसे यही सेक थीटा का मान पूछा गया, तो सेक थीटा बराबर कितना हो गया? पाँच बटे तीन। तो आप समझ गए हैं। अच्छा, यदि यही टेन थीटा का मान पूछा होता तो घटा देते, तो ये सेक थीटा कैंसिल हो जाता, फिर टेन थीटा का मान आ जाता। तो ये प्रश्न आपने समझा, इसी श्रेणी के अंतर्गत मैं एक प्रश्न और ले रहा हूं, ध्यान देना। देखा जाए, सरसमिका वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा है, इससे रिलेटेड मैं कुछ प्रश्न आपके सामने और रख रहा हूं। चलिए ध्यान देना, जैसे हमने लिखा है, यदि x बराबर a sec theta प्लस, ध्यान देना, यदि x बराबर a sec theta cos phi, और इसी क्रम में मैंने लिखा है y बराबर b sec theta sin phi, तथा जेड बराबर हमने लिया है सी टेन थीटा, जेड बराबर हमने लिया है सी टेन थीटा, तो हमने आपसे ये पूछा है कि एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर बटे सी स्क्वायर, इसका मान क्या है? ध्यान देना, हमने लिया है यदि x बराबर a sec थीटा cos phi, y बराबर b sec थीटा sin phi, तथा z बराबर c tan थीटा है, तो x स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटे b स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बटे c स्क्वायर, इसका मान क्या होगा? तो चलिए, अच्छा एक चीज ध्यान देना, यहां प्लस नहीं इनटू होगा, x बराबर a sec थीटा cos phi, y बराबर b sec थीटा sin phi, तथा z बराबर c tan थीटा। तो हमसे पूछा गया है कि x स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस y बटे b स्क्वायर माइनस z स्क्वायर बटे c स्क्वायर। अच्छा एक चीज ध्यान देना, ये a इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? या आप ऐसा कर लीजिए ना, दो इसका जब वर्ग करेंगे तो x बराबर इतना दिया है, तो x का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर फाइव, ये x स्क्वायर आ गया। इसी तरीके से y बराबर दिया है, चलिए पहले एक चीज थोड़ा समझिएगा, हमसे पूछा है x स्क्वायर बटे a स्क्वायर, तो a स्क्वायर इधर पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा? x स्क्वायर बटे a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? ध्यान देना, a स्क्वायर इधर भाग हो जाएगा, जैसे x स्क्वायर है, a स्क्वायर इधर भाग होगा, तो x स्क्वायर बटे a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर फाइव, हो जाएगा कि नहीं? इसी तरीके से y बराबर b sec थीटा sin फाइव है, तो y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? b स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, चूंकि y का स्क्वायर कर रहे हैं, और sin स्क्वायर फाइव,
तो अच्छा बताइए, यहाँ पे वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे बी स्क्वायर गुणा हो रहा है, जब इसे बाएं साइड भेजेंगे तो वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई। इसी तरीके से जेड बराबर सी टेन थीटा है, तो जेड स्क्वायर बराबर हो जाएगा सी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। इसलिए यहाँ जेड स्क्वायर बटे सी स्क्वायर चाहिए, तो सी स्क्वायर इधर पक्षांतर करेंगे तो जेड स्क्वायर बटे सी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। बस हो गया, हमसे मान किसका पूछा गया है, हमसे मान पूछा है एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर बटे सी स्क्वायर। तो बताइए एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर का मान कितना है, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर का मान है सेक स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर फाई। यहाँ हमने लिखा सेक स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर फाई, और प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर है, और वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर का मान कितना है, सेक स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर फाई, और माइनस जेड स्क्वायर बटे सी स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर बटे सी स्क्वायर का मान कितना है, टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा एक चीज़ बताइए, इन दोनों पदों में ध्यान से समझिएगा, इन दोनों पदों में कॉमन है सेक स्क्वायर थीटा, यदि मैं सेक स्क्वायर थीटा कॉमन कर लूँ तो कितना आएगा, कास स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, ये आएगा कास स्क्वायर फाई और प्लस साइन स्क्वायर फाई, और माइनस कितना है, टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा कास स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई कितना हो जाएगा, एक, चूंकि आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, तो उस आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर फाई प्लस कास स्क्वायर फाई एक हो जाएगा, तो यहां से बचा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये बराबर कितना हो जाएगा, वन, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर इस आइडेंटिटी से कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो फिर से ध्यान देना, बेहद आसान प्रश्न था, यक्स बराबर इतना दिया है, तो यक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर फाई, तो ए स्क्वायर इधर पक्षांतर करेंगे तो यक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर फाई हो गया। वाई बराबर बी सेक थीटा साइन फाई, साइन स्क्वायर साइन फाई दिया है, तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और साइन फाई क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर फाई। तो जब बी स्क्वायर इधर पक्षांतर करेंगे तो वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई। इसी तरीके से जेड वाले को भी मैंने कन्वर्ट किया। बस ये जब मान हमें सब पता हो गया, एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर और जेड स्क्वायर बटे सी स्क्वायर, तो यही मान यहाँ पर रखा, इसका मान प्राप्त हुआ। चलिए इस श्रेणी में मैं एक प्रश्न ले रहा हूँ, ध्यान देना, इसे इरेज कर रहे हैं। चलिए एक सवाल देखिएगा, हमने लिखा है sec थीटा, यहां वन प्लस साइन थीटा अपान cos थीटा, और प्लस यहां पे हमने लिखा है cos थीटा अपान वन प्लस साइन थीटा, और माइनस टू टेन स्क्वायर थीटा। हमने आपसे पूछा कि इसका मान क्या होगा, चलिए ध्यान देना, हमने लिखा है sec थीटा इंटू ब्रैकेट में वन प्लस साइन थीटा अपान कास थीटा प्लस कास थीटा अपान वन प्लस साइन थीटा माइनस टू टेन स्क्वायर थीटा। हमने पूछा कि इसका मान क्या होगा, तो चलिए अच्छा ध्यान देना, पहले बताइए sec थीटा को तो मैं वन बाई कास थीटा लिख ही सकता हूँ, क्योंकि sec का व्युत्क्रम कास और कास का व्युत्क्रम sec होता है, तो sec थीटा को वन बाई कास थीटा लिख सकते हैं। इस ब्रैकेट को पहले हल करें, पहले इसका लॉस ले लीजिए, लॉस लेंगे तो कितना आएगा, ध्यान देना, कास थीटा और इंटू वन प्लस साइन थीटा, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। अच्छा पहले कास थीटा भाग कास थीटा में देंगे, पहले हर का भाग हर में देंगे ना, तो कास थीटा भाग कास थीटा में देंगे ये तो कैंसिल हो जाएगा, और वन प्लस साइन थीटा का गुणा किस में करेंगे,
वन प्लस साइन थीटा का गुणा वन प्लस साइन थीटा में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर होगा तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस टू ए बी करेंगे तो दो एक का दो साइन थीटा आ जाएगा प्लस। ये बात समझ में आया कि नहीं? भाग करेंगे तो कास थीटा कैंसिल, वन प्लस साइन थीटा का गुणा वन प्लस साइन थीटा में करेंगे तो वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा, बी स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस टू ए बी करेंगे तो टू साइन थीटा प्लस। अच्छा, वन प्लस साइन थीटा ये तो यहाँ भाग करेंगे कट जाएगा, और कास थीटा का गुणा कास थीटा में कितना हो गया, कास स्क्वायर थीटा माइनस, ये ब्रैकेट क्लोज है, टू टेन स्क्वायर थीटा। चलिए, अच्छा अभी ध्यान देना, वन बाई कॉस थीटा है। अच्छा एक चीज ध्यान देना, साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, एक। तो एक तो पहले से है, एक पहले से है, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक हो जाएगा, तो एक और हो जाएगा, और प्लस कितना, टू साइन थीटा है, और बटे कितना है, कॉस थीटा इंटू वन प्लस साइन थीटा, ये ब्रैकेट क्लोज, माइनस टू टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा एक चीज ध्यान देना, यहां समझिएगा, वन बाई कॉस थीटा है, इसको जैसे का भी वैसे लिख लिया, इंटू ध्यान देना, एक और एक जोड़ेंगे दो, एक और एक जोड़ेंगे दो, और प्लस दो साइन थीटा, तो दो कॉमन कर लेंगे तो एक एक दो था, दो कॉमन हो गया तो एक बचा है, और दो कॉमन है तो कितना, साइन थीटा, और बटे कास थीटा है, और इंटू वन प्लस कितना है, साइन थीटा, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, अब माइनस टू टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा वन प्लस साइन थीटा कैंसिल। अच्छा ये कास थीटा का गुणा इधर यदि गुणा कर लें तो ये दो का गुणा एक में दो हो जाएगा, दो का गुणा एक में गुणा करेंगे तो दो हो जाएगा, कास थीटा का गुणा कास थीटा में तो बटे कास स्क्वायर थीटा, तो दो बटे कास स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं दो सेक स्क्वायर थीटा। कैसे, दो का गुणा एक में गुणा करेंगे तो दो एक का दो, और कास थीटा का गुणा कास थीटा में कास स्क्वायर थीटा, तो दो बटे कास स्क्वायर थीटा है ना, तो बटे वो एक बटे कास स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, तो दो बटे कास स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, दो सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस दो टेन स्क्वायर थीटा। यहां से यदि हम दो कॉमन कर लें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, एक। तो ध्यान देना ये बराबर दो है, और इसका गुणा एक में गुणा करेंगे तो दो एक का दो, चूंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये बात समझ में आया कि नहीं, पहले बताइए, ध्यान देना, दो का गुणा एक में दो हो जाएगा, और ये कास थीटा का गुणा कास थीटा में कितना हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा। तो अब बताइए मैं इसको क्या लिख सकता हूं, दो गुणा एक बटे कास स्क्वायर थीटा, और एक बटे कास स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां पर जो दो बटे कास स्क्वायर थीटा था, इसे दो सेक स्क्वायर थीटा कर दिया, और माइनस ये दो टेन स्क्वायर थीटा था ही, इन दोनों में दो कॉमन हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान एक, तो दो एक का कितना हो गया, दो। चलिए आ जाए एक प्रश्न हम और देखते हैं इसी श्रेणी के अंतर्गत। चलिए एक सवाल मैं और देख रहा हूं, हमने लिखा है यदि 2 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर 3 साइन थीटा कॉस थीटा, इसमें दिया है जहां साइन थीटा बराबर नहीं है कॉस थीटा के, तो यहां से एक व्यंजक का मान मैं पूछा हूं टेन थीटा क्या होगा,
चलिए ध्यान देना, इसमें दिया है यदि 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना है, 3 साइन थीटा कॉस थीटा है, जहां साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर नहीं है तो टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा। अच्छा ध्यान देना, चलिए इसे थोड़ा बगल में ही कर देते हैं, हमसे टेन थीटा का मान पूछा है। चलिए अच्छा ध्यान देना, 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3 साइन थीटा कॉस थीटा है, हमें टेन के पदों में व्यंजक का मान चाहिए, क्या किया जाए कि टेन के पद में मान आ जाए। अच्छा ध्यान देना, यदि दोनों साइड कॉस स्क्वायर थीटा से भाग करें तो कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन आ जाएगा। तो आप ऐसा करिए ना, मैं दोनों साइड में कॉस स्क्वायर थीटा से भाग कर दे रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 2 अपान कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, इसमें भी जब कॉस स्क्वायर थीटा से भाग करेंगे, ध्यान देना जब दोनों साइड कॉस स्क्वायर थीटा से भाग करेंगे तो ये 2 बटे कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में जब कॉस स्क्वायर थीटा से भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ जैसे लिखा है 3 साइन थीटा कॉस थीटा, 3 साइन थीटा कॉस थीटा, इसमें भी भाग करेंगे किससे, कॉस स्क्वायर थीटा से, तो 1 कॉस थीटा तो कट जाएगा लेकिन साइन थीटा बटे कॉस थीटा रहेगा, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 10। अच्छा एक चीज बताइएगा, 2 बटे कॉस स्क्वायर थीटा है तो 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा, 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कितना, 3 टेन थीटा, कैसे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा में 1 कॉस थीटा कट गया है लेकिन 1 कॉस थीटा बचा है, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा। अच्छा हमें टेन के पदों में मान चाहिए ना, तो आप ऐसा करिए सेक स्क्वायर थीटा, चूंकि एक सौ संख्या आप जानते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा है, ये सौ संख्या आप सबको पता है, तो जहां पर सेक स्क्वायर थीटा लिखा है वहां पर सेक स्क्वायर थीटा का मान रख सकते हैं कितना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ध्यान देना 2 सेक स्क्वायर थीटा के स्थान पे हमने लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस 1, देखिए सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख दिया, 2 तो था ही पहले से, ये बराबर कितना, 3 टेन थीटा। अच्छा अभी ध्यान देना, 2 का गुणा करेंगे तो ये हो गया 2 और प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ध्यान देना 2 का गुणा 1 में 2 हो गया, 2 का गुणा प्लस टेन स्क्वायर थीटा में 2 टेन स्क्वायर थीटा हो गया, माइनस 1 था ही, बराबर कितना, 3 टेन थीटा। अच्छा यहाँ से एक द्विघात समीकरण बन गया, साइड में थोड़ा सा आप लोग फोकस करेंगे, मैं ऐसा कर रहा हूँ इसको इधर ही पक्षांतर कर लीजिए, तो 2 टेन स्क्वायर थीटा पहले से है, अच्छा 3 टेन थीटा बाएं साइड आएगा तो माइनस 3 टेन थीटा हो जाएगा, और 2 में से 1 घटाएंगे तो प्लस 1 रहेगा बराबर 0। इतना बात समझ में आया कि नहीं, 2 टेन स्क्वायर थीटा था, चलिए ध्यान देना 2 टेन स्क्वायर थीटा है और 3 टेन थीटा इधर आएगा तो माइनस 3 टेन थीटा हो जाएगा, और 2 में से 1 घटाएंगे 1 बराबर 0, एक द्विघात समीकरण बना। आप देखिए द्विघात समीकरण बना है, अब 2 टेन स्क्वायर थीटा का फैक्टर करें माइनस 3 टेन थीटा है, या ऐसा करिए 2 का फैक्टर करिए 3 आया तो 2 1 का 2, 2 और 1 3, तो ये हो गया 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 1 का 2, मतलब माइनस 2 टेन थीटा और माइनस टेन थीटा प्लस 1 बराबर 0। अच्छा इन दोनों में 2 टेन थीटा कॉमन है, मैंने 2 टेन थीटा कॉमन कर लिया, तो यहाँ से बचा क्या, 1 टेन थीटा बचा है माइनस 1, 2 टेन थीटा दोनों में कॉमन करेंगे तो यहाँ से ध्यान देना टेन थीटा बचा रह जाएगा, और माइनस 2 टेन थीटा कॉमन है 1, यहाँ माइनस 1 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा टेन थीटा पॉजिटिव, और जो प्लस 1 था वो माइनस 1 बराबर, अब दोनों में कॉमन है टेन थीटा माइनस 1, तो एक ब्रैकेट में टेन थीटा माइनस 1 हो गया और दूसरे ब्रैकेट में हो गया 2 टेन थीटा और माइनस 1 बराबर 0। यदि टेन थीटा माइनस 1 को बराबर 0 दिखाते हैं
तो टेन थीटा बराबर वन हो जाएगा, और यदि टू टेन थीटा माइनस वन बराबर जीरो दिखाते हैं तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा वन बाई टू। तो ये हमारा रिजल्ट होगा, टेन थीटा का मान एक या एक बटे दो, ये हमारा एग्जैक्ट रिजल्टेंट होगा। तो चलिए, यहाँ से आपने कुछ प्रश्नों को सीरीज से देखा है, इसी क्रम में एक प्रश्न और देखते हैं। चलिए इसे इरेज कर रहे हैं, कोई डाउट हो तो वीडियो एक बार फिर से प्ले कर लेंगे। और यहां से एक प्रश्न मैं और रख रहा हूं, हमने लिखा है चार बटे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन अपान वन प्लस काट स्क्वायर थीटा और प्लस थ्री साइन स्क्वायर थीटा। हमने आपसे पूछा कि इसका मान क्या होगा, आप उत्तर प्राप्त कर लिए होंगे, बहुत ही आसान सवाल है। तो चलिए ध्यान देना, पहले बताइए वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो जहां पे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा है वहां पे मैंने लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा, और यहां पे एक बटे कितना है, वन प्लस काट स्क्वायर थीटा हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा, और प्लस कितना हो गया थ्री साइन स्क्वायर थीटा। वैसे परिणाम आ गया होगा चार उत्तर। तो एक चीज ध्यान देना, एक बटे सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, जैसे एक बटे सेक थीटा बराबर कितना होता है कास थीटा, एक बटे सेक थीटा बराबर कास थीटा, तो एक बटे सेक स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर थीटा। तो ये चार को चार रखे ही रहिए, और बटे सेक स्क्वायर थीटा है तो ये कितना हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा। अच्छा, एक बटे कोसेक थीटा होता है साइन थीटा, एक बटे कोसेक थीटा बराबर साइन, मतलब साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो साइन थीटा बराबर वन बाई कोसेक थीटा, वन बाई कोसेक थीटा साइन थीटा होगा, तो वन बाई कोसेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस कितना थ्री साइन स्क्वायर थीटा। अब आप समझ गए रिजल्ट कितना आएगा। तो बताइए चार कास स्क्वायर थीटा यहाँ है, और एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस तीन साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा चार साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस तीन साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया चार साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ चार कास स्क्वायर थीटा है तो चार कॉमन कर लीजिए, तो कास स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा एक। तो रिजल्ट कितना मिला चार। तो चलिए, आपने इस श्रेणी के अंतर्गत कुछ प्रश्नों को यहाँ से देखा, तो अब केस सेकेंड के प्रश्नों को लेकर मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। इस पार्ट को यहाँ तक देख रही है, आज की क्लास बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।